ओके सर, तो ये उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी कुछ बातें समझो। यहाँ पे आपको कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, ठीक है ना। हम इसमें दो नोट्स देखेंगे, वो हजार वाले नोट्स नहीं, उससे भी ज्यादा महंगे वाले नोट्स। ठीक है, देखो दो नोट्स हमें क्या समझना है। ये होता है कि अगर आपके पास, अगर आप देख रहे हो कि मेरे पास एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या लिखो कि एक परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्याओं का जोड़ घटाना, ठीक है, सब एक ही में लिख देते हैं, गुणा तथा भाग। ठीक है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का अगर आप जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो तथा भाग करने पर हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये बात आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में हमेशा के लिए इस बात को फिक्स करके रख लो। ओके, आपने कहा कि सर एक परिमेय है, एक दूसरी अपरिमेय संख्या, हम उसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमेशा क्या मिलेगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करा जाए। अब इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक है, क्या है, अब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो आप हमेशा ये मान करके चलोगे, क्या, जब भी मैं आप बात सुना ध्यान से, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे, है ना, जैसे 5 माइनस रूट 3 हो गया या 5 रूट 3 हो गया, देखो एक तरीका है ये सब करने का, है ना, या 5 बटे रूट 3 हो गया, इस तरीके की। तो जितने भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो आप हमेशा एक बात मान करके, यहाँ पे हमें एक बात हमेशा मान करके चलनी है, वो क्या कि हम, अब आप ये मान करके चलोगे कि हाँ रूट 3 आपका एक अपरिमेय संख्या है। बात समझना, आप ये मान करके चलोगे कि रूट 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है ना, बस हम इसी चीज का बस यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके सर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, सेम वही चीज है ना, एक परिमेय संख्या है, ये बहुत ही छोटा सा इस टाइप को, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही छोटा, मतलब आपको जो चीजें समझनी थी ना बड़े वाले क्वेश्चन के लिए आपने वो कर लिया, ठीक है ना, अंकल वाला आप एग्जांपल देख करके आप कर सकते हो। चलो, तो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तब क्या लिखोगे आप, तो 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे बी लिखोगे, क्या कर सकते हो ना, है ना, जहां आप ये बताओगे कि बी 0 के बराबर नहीं है और ए बी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक हो गया इतना। अब आप क्या कर लो, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे बी है, तो ऐसा करते हैं कि हम इस माइनस रूट 3 को ही छोड़ देते हैं, है ना, आप यहां से हमेशा रूट वाले की वैल्यू निकालना, जो भी आपको क्वेश्चन में लेंगे आप हमेशा रूट वाले की वैल्यू निकालोगे, तो माइनस रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी माइनस 5, भाई ये 5 इधर आएगा तो कैसे, इधर 5 कैसे था, ये प्लस में था, है ना, इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो अब इधर से माइनस को हटा दो, माइनस को हटा दो, तो रूट 3 इज इक्वल टू, जब ये माइनस इधर गया तो ये इधर आ गया, तो अब ये जो माइनस ए अपॉन बी हो गया और जो माइनस में था वो प्लस 5 हो गया, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो क्या, कि रूट 3 बराबर 5 माइनस ए बटे बी। अब आप समझना, आपने कहा कि सर मेरा जो ए अपॉन बी है, चूंकि चूंकि आपका जो ए अपॉन बी है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है आपकी, भाई आप तो जानते हो ना 5 क्या है, ऐसी एक परिमेय संख्या, ये आपको पता है, ये फैक्ट है, ठीक है, चूंकि ए अपॉन बी ए अपॉन बी तथा 5 एक परिमेय संख्या, देखना अभी कितनी आसानी से ये प्रूव होगा, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, ए अपॉन बी तथा 5 एक परिमेय संख्या है, तब रूट 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, आगे बात समझ में, रूट 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, बात समझना यहां से, परिमेय संख्या होगी,
भाई आपने कहा कि 5 - a / b, 5 भी परिमेय संख्या है, a / b भी परिमेय संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या परिमेय संख्या को आपस में आप जोड़ोगे घटाओगे तो क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी, तो √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन अब मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अब फैक्ट पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, आपको पता है कि √3, आप ये पहले प्रूव कर चुके हो, है ना। आप ये फैक्ट क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप ये आपने पहले √3 को आपने प्रूव कर दिया है, तो आपको ये पता है कि जो √3 है हमारी एक वो अपरिमेय है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि नहीं, लेकिन या चूंकि लिख लो, चाहे जो भी लिख लो, है ना। चूंकि क्या लिख लें कि हमारा जो √3 है ना, कैसे इसको लिख लें, ऐसे लिखते हैं, परंतु परंतु यह तथ्य है ना, यह तथ्य है कि, यह तथ्य है ना, मतलब फैक्ट है, यह तथ्य, तथ्य मतलब फैक्ट, यह तथ्य है कि √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है ना। जो हमारा √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी जो परिकल्पना है, मतलब हमने जो कल्पना करी है ना, परी की कल्पना करी है किसकी, अतः हमारी परिकल्पना, कल्पना नहीं परिकल्पना, परिकल्पना, ओके परिकल्पना, ठीक है, हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो अगर हमारी परिकल्पना गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा, हमने जो माना है ना, अतः अतः 5 - √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ओके सर, इतनी बात आ रही समझ में क्या, बस ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना, बस यही चीजें हैं। अब याद लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अब 5 - √3, मतलब आपको रूट, आपको मतलब अब ये मान करके चलना है कि √3, √2, √5, √7, है ना, ये सब सारी चीजें, ये सब जो जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको मान करके चाहिए, ये फैक्ट है, ये तथ्य है ना, क्योंकि आपने पहले इसी को तो प्रूव करना सीखा है कि आप अब प्रूव कर चुके हो। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करोगे, हाँ, तो हमेशा मान करके चलोगे कि √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। आप अच्छा, आप कहोगे सर कि हम डायरेक्टली सर क्यों नहीं फिर बता दे रहे हैं, तो ऐसा करना है ना कि भाई पहले आपको ये √3 की वैल्यू तो बतानी है। अरे मेरी बात समझना, पहले आप √3 तो निकाल लो, आपको √3 केवल पता है ना, बात समझना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर अगर ऐसा है तो हम फिर डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते हैं, हमें तो ये भी तो पता है कि हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे। लेकिन बात समझो, आपको केवल इतना पता है कि √3 की वैल्यू, जो √3 है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप पहले, आपने क्या किया, आपने आपने √3 की वैल्यू निकाल ली। अब √3 की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको पता है कि हाँ भाई √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, तो इसका मतलब कि हमारा 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 जल्दी से। ओके सर, ये एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण नंबर 11, बहुत आसान है। कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है, माना, बहुत आसान ये चैप्टर है, ठीक है ना, माना 3√2 एक परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है, अंकल वाली कहानी आपको याद है। चलो ये हम पहले क्या मानेंगे, हम एक मानेंगे कि परिमेय संख्या है, लास्ट में बता देंगे नहीं भाई ये तो हम तो गलत थे, है ना, जैसे अपने 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 पड़ोसी वाले अंकल के बारे में आपने सुना है ना। अच्छा, तो अगर ऐसा है तब √3 - √2 बराबर p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो आप ये भी बताओगे, और p तथा q कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये बातें आपको बतानी जरूरी है, सहभाज्य का मतलब जिसका गुणनखंड, जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है केवल और केवल एक, केवल वन, ठीक है ना। चलो तो अब हम यहाँ से क्या कर ले, हम यहाँ से √2 की वैल्यू निकाले। मैंने आपसे बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप जैसे 3√2 देखो तो आप वहां से √2 की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा सर ठीक है, मेरे पास है 3√2 = p/q, तो √2 = कितना हो जाएगा, p/3q। आ रही बात समझ में, p/3q। अब देखो, अब आपने कहा था कि सर मेरा जो, चूंकि चूंकि p/q तथा
तथा एक बटे तीन, है ना, एक बटे, भाई ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, एक बटे तीन कैसी हैं, कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या है ना। तो आपको पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को ये जब आप गुणा करते हो तो हमेशा कैसे मिलती है, एक परिमेय संख्या मिलती है। परिमेय संख्याओं को जो हम आपस में जब गुणा भाग जोड़ घटाएं करते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी, √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे आपने कहा कि सर आपको, लेकिन आपका फैक्ट क्या कहता है ये बताओ, आप आपका जो फैक्ट है वो क्या कहता है, फैक्ट क्या कहता है कि भाई हमारी जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। परंतु परंतु किंतु परंतु, ठीक है, परंतु परंतु √2 एक, परंतु ऐसे लिखेंगे, परंतु यह तथ्य है, यह तथ्य है ना, यह फैक्ट है, यह तथ्य है कि √2 एक अपरिमेय, ऊप्स, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य है कि √2 क्या है, एक जो जो मतलब ये जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विरोधाभास एक निकल रहा क्या क्या आ रहा है ना। अतः यह हमारे कथन का विरोध करता है, विरोध करता है, अर्थात क्या बता दो कि √2 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। आगे बच्चे बात समझ में, ठीक है ना। चलो कमेंट करके बता दो कि ये आपको पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल मस्ट लगाना है, नहीं लगाओगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में।